खुर्सीपार क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में स्टॉक में काफी अनियमितता उजागर हो रही है। भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर से भेंट कर ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। भाजपा पार्षद दल ने पत्रकार वार्ता लेकर संयुक्त रूप से आरोप लगाया है कि विधायक के करीबियों द्वारा गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी सरेराह की जा रही है। देखिए, लगातार हम लोगों के पास जो कार्डधारी हैं, उनके द्वारा शिकायत की जा रही थी कि कुछ दुकानों को लगातार नहीं खोला जा रहा है और वहां पर खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। तो जब हम लोगों ने पता किया तो ये पता चला कि वहां पे हर माह उस दुकानों के लिए वहां खाद्य विभाग से खाद्यान्न जो है वो आवंटित किया जा रहा है और यहाँ दुकान खुल नहीं रही है, लोगों को दिया नहीं जा रहा है। तो मजबूरी बस जो कार्डधारी थे वो दूसरी दुकानों में जाकर के राशन ले रहे थे। 3-4 माह से ये दुकानें नहीं खुल रही हैं और इनका राशन बराबर आवंटित हो रहा है, तो आखिर ये राशन गया कहाँ जब आपने दिया नहीं। और जब शिकायत हम लोगों ने कलेक्टर साहब से की और खाद्य विभाग में की, तो कल खाद्य विभाग की टीम ने आकर के दोनों दुकान की जांच की। एक दुकान में तो जो स्टॉक वहाँ होना चाहिए सर जो दिखा रहा है वो नहीं बताया गया, कुछ कम उसमें कुछ चावल उन्होंने एक रात पहले जो गाड़ी नंबर मोहल्ले के लोगों ने बताया CG07C9397, इस गाड़ी से एक रात पहले वहाँ आ करके कुछ चावल की बोरियाँ रखी गई। वो चावल की बोरियां खुली हुई थी। कभी भी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम से जो खाद्यान्न आता है वो सील पैक बोरा आता है, कभी खुला बोरा नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है। यहाँ सारी बोरियां खुली हुई थी और उसके बाद भी जो रखी गई थी उसके बाद भी वहाँ स्टॉक कम था। और जो दूसरी दुकान थी वहाँ पर तो एक बोरी भी चावल या कोई भी खाद्यान्न नहीं था। वो अधिकारियों ने देखा वहाँ मोहल्ले से लोगों से पूछ करके उनका बयान दर्ज किया कार्डधारियों का। कार्डधारियों ने लिखित में शिकायत की, हम लोगों ने शिकायत की, उसका वीडियो फोटो सब बना और अभी तक सारे अधिकारी वहां से जांच रिपोर्ट बना करके हम लोगों के दस्तखत करा करके ले गए। तो हमारी जांच सही पाई गई। तो जब सही पाई गई है तो हमारी मांग ये है कि प्रशासन, जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग इन दुकानों का आवंटन तत्काल निरस्त करें। इनके जो प्रबंधक और अध्यक्ष समिति के उनके खिलाफ FIR की जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गरीबों का चावल चोरी करके कालाबाजारी करके बेच दिया है। ये पहली बार देखने के लिए आ रहा है कि अभी तक चावल जो PDS का चावल होता था चोरी होता था, इसका चोरी छुपे तस्करी होती थी। पहली बार है कि विधायक प्रतिनिधि का परिवार, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी जो खुद पार्षद है और एक पार्षद और है कांग्रेस की, ये दोनों लोग विधायक के संरक्षण में लगातार खुलेआम जो खाद्यान्न कॉपरेटिव में आना चाहिए वो कॉपरेटिव में नहीं जाकर के बाहरी बार कालाबाजारी करके बेच दिया गया और उनकी एंट्री दिखा रही है कि इन दुकानों में हुआ है। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि इस कालाबाजारी का पैसा और हिस्सा क्या विधायक को जा रहा है, क्या ये लोग मिल करके कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारा आरोप है कि वो लोग तो मात्र चेहरा है, इसके पीछे खुद विधायक है और कालाबाजारी बहुत बड़े स्केल में की जा रही है। अगर पूरे भिलाई में जो कॉपरेटिवों में खाद्यान्न शॉर्ट दिखा रहा है, अगर उसकी जांच करेंगे तो लगभग 2 करोड़ का गरीबों का खाद्यान्न, गरीबों का चावल, गरीबों की शक्कर जो आती है शासन से निःशुल्क बांटने के लिए, उसको कालाबाजारी करके बेच दिया गया और इसी के ऊपर हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और एक पार्षद पद में रहते हुए कोई भी आर्थिक लाभ लेने जैसा कार्य नहीं कर सकता, कॉपरेटिव नहीं चला सकता, चॉइस सेंटर नहीं चला सकता या कोई भी ऐसा हित का कार्य नहीं कर सकता जिससे उसको आर्थिक लाभ मिलता हो पार्षद रहते हुए। ये दोनों लोग जो खुद समिति के अध्यक्ष हैं, जो सरकारी दुकानें चला रहे हैं शासकीय उचित मूल्य की, वो दोनों पार्षद हैं। तो इस नाते पर नगर निगम अधिनियम की 1956 के तहत ये कार्रवाई उनके ऊपर बनती है कि दोनों को पार्षद पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जब लोगों को शिकायत मिली हम लोगों को कि यहाँ पे 3-1 महीने से मतलब दुकानें नहीं खुली, तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो कलेक्टर महोदय ने 15 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपे, तो कलेक्टर ने 18 तारीख को एक जांच अधिकारी को भेजते हुए उसमें जांच जब किए तो पाया गया कि वहाँ पे दुकान में जो PDS का जो चावल होना वो नहीं, मतलब जितना उनका नहीं। कितनी ऐसी दुकानें थी? लगभग 5-6 दुकान का शिकायत किए थे, तो उसमें 2 दुकानों पे मतलब उन्होंने कल जांच की, तो 2 दुकान में भी अनियमितता पाई गई है। तो मेन तो परेशानी इस बात का है कि लोगों का चावल जो केंद्र सरकार चावल यहाँ पे मतलब फ्री में दे रहे हैं, उसमें भी ये यहाँ की सरकार के जो शरण में जो लोग हैं उन लोग मतलब धांधली कर रहे हैं, मतलब इस बात का चिंता। बाकी तो अनियमितताएँ तो भिलाई इवन छत्तीसगढ़ में तो बहुत हो रहा है, लेकिन कम से कम गरीब जो निचले स्तर का जो गरीब होता है उसके चिंता करते हुए केंद्र शासन जो राशन भेजा गया उस पर भी मतलब इन्होंने डाका डाला। ये बताइए कुल कितने माह से राशन नहीं मिल रहा था और
इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है? भाई देखो, इन लोगों को संरक्षण किसी का प्राप्त है या ना हो, लेकिन राज्य शासन के जो अभी फिल वर्तमान में दो पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, और कांग्रेस के मतलब एक तो विधायक प्रतिनिधि के मतलब घर से भी है, तो ये है मतलब संरक्षण कैसे नहीं होगा भाई? कांग्रेस के दल के लोग हैं, मतलब पार्षद भी है और विधायक प्रतिनिधि के मतलब घर से हैं, तो संरक्षक तो होगा। तो तभी तो तीन महीना से वो दुकानें बंद है, उसके बाद मतलब उस पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो राज्य शासन मतलब यहाँ के अधिकारी मतलब कितना मतलब निश्चिंत होकर मतलब उन पर विश्वास करके काम कर रहे हैं, समझ में नहीं। इस मामले में आप लोग FIR करा रहे हो? तो FIR अभी कलेक्टर को हम लोग फिर से एक बार ज्ञापन देंगे कि भाई इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब कलेक्टर क्या करते हैं, कलेक्टर पे डिसाइड, उसके बाद तो फिर पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी क्या कराना चाहती है। क्या नाम है भैया दोनों पार्षद? एक का नाम है लक्ष्मी, M लक्ष्मी, दूसरा G सुजाता।